हेलो गैस जी, बिल्कुल जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, हम बिल्कुल ऐसे ही बात करने वाले हैं। ये एंड्रॉयड फोन जो हमारे पास है, ये इसको हम हैक करने वाले हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज, पर्सनल चीज है, सारा कुछ हैक करके मैं आपको बताऊंगा। हैकिंग का मतलब ये नहीं है कि जब मैं इस मोबाइल को, जिनका मोबाइल उनको दे दूं तो उसको फिर भी एक्सेस कर सकता हूं, ये नहीं। मतलब इसमें मैं हैकिंग वो बताने वाला हूं, अगर इस तरीके का, अगर आप चाहते हैं कि उनका मोबाइल वापस करने के बाद भी एक्सेस चाहते हैं, उनको क्या क्या कर रहा है, एक्टिविटी उसकी क्या है, इस तरीके का आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसके लिए वीडियो लाऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो उन्होंने, मैं इसके गैलरी के अंदर जाने वाला हूँ, गैलरी हुआ, फायर मैनेजर हुआ, क्योंकि इसको हैक करने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड ही है, आप उनसे मोबाइल मांगते हैं कि भाई मोबाइल दो, तो वो तो मोबाइल दे देता है, और वो जो सामने का जो लोग होता है, जैसे कि स्क्रीन लॉक होता है, ये लॉक तो बता देता है, चलो ये लॉक है, ये लॉक है, ये बता देता है। लेकिन जब जो है आप इस लॉक को ओपन करके आप जाते हैं, और जब इसके फाइल मैनेजर में जाते हैं, या एमएक्स प्लेयर में जाते हैं, या गैलरी में जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या रखा है, जैसा कि देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ गैलरी के अंदर, तो इन्होंने लॉक लगा रखा है, या फिर फाइल मैनेजर के अंदर जा रहा हूँ तो यहाँ भी लॉक लगा रखा है। तो अब ये लॉक वो बता भी नहीं रहा है, लेकिन मुझे इसे एक्सेस करना है, इसके अंदर जाना है कि क्या क्या चीजें उन्होंने रखी है। ये चीज को मैं हैक करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूरी वीडियो को वॉच करिए, और बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है ये, आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो ये लॉक लगा करके रखते हैं। बस आपको क्या करना है कि पूरी वीडियो को वॉच करिए, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो प्रोसेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये प्रोसेस अगर आपने कर लिया, प्रोसेस तो हर कोई कर सकता है, बस सिर्फ एक छोटा सा कोड है, उसको डालना बस काम हो जाएगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें वहां से फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह की हैकिंग ट्रिक अगर आप कोई और चाहते हैं, और चाहते हैं किसी बंदे का मोबाइल का एक्सेस करना, तो अगर इस तरीके की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके लिए जरूर वीडियो लाऊंगा, और एक से एक जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉइड फोन के बारे में। तो गाइस अब चलिए देरी ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ, और सारा कुछ प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस आपको इसमें करना क्या होगा कि आप जो है मोबाइल को ले लीजिए, जो आपका फ्रेंड है उनका मोबाइल ले लीजिए, और उसके बाद जो है आप, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं गेम भी ओपन करता हूँ, इसमें इन्होंने लॉक लगा रखा है तो मुझे पता नहीं है। तो आपको करना क्या होगा कि आप जो है क्रोम ब्राउजर जानते ही होंगे, क्रोम ब्राउजर ये हुआ, ये क्रोम ब्राउजर जो है एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ये जो है हर किसी के मोबाइल में होता है, हर एंड्रॉइड फोन के अंदर होता है। आप इसे ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या कोड डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। गैस आप इसके अंदर जो है क्या कोड डालेंगे, तो यहाँ पे सर्च बार जो है, सर्च बार में आपको डालना है, यहाँ पे लिखना है आपको फाइल, और उसके बाद जो है कॉलन का चित्र देना है, कॉलन देना है, और ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश डालना है। उसके बाद जो है एसडी कार्ड लिखना है, जैसे लिख करके आप ओके करते हैं तो ये देखिए अलाउ कर देता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद देखिए इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं, जितनी कुछ है, सारा कुछ जो यहाँ पे आ गया देख सकते हैं, जितनी भी फाइल इसके मेमोरी के अंदर ये देख सकते हैं, जो भी बना हुआ है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड DCM, और उसके बाद जो है आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं इसमें से कुछ फोटोज जो है निकाल कर दिखा देता हूँ। तो फोटोज जो है ज्यादातर मैक्सिमम जो है DCIM में होता है, तो मैं DCIM जो है इस पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद जो जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे खुल के आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे थंबनेल वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद कैमरा, तो ज्यादातर जो है वीडियो जो फोटो जो क्लिक करते हैं कैमरे के अंदर आता है, तो कैमरा पे क्लिक कर लीजिए। अब जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी फोटोज, जितने भी फोटोज है इसके अंदर, सारा कुछ ओपन हो गया। बस आपको क्या करना है, जो भी फोटो आप देखना चाहते हैं उस फोटो को जो है आप उस पर क्लिक करिए। जैसे चलिए मैं मान लेता हूँ इस पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कौन फोटो ओपन हो रहा है। तो ये देखिए ये फोटो जो है ओपन हो चुका है, वो पर्सनल फोटो थी, इसी बिना पे मैंने उसको क्या किया है ब्लर कर दिया था इसके बिना पे। और इसी तरीके से कोई दूसरी फोटो आप देखना चाहते हैं तो और दूसरी कर लीजिए, शायद को पर्सनल निकल जाए, तो मैं इसको ब्लर कर देता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल है, मैं इसको नहीं दिखा सकता हूँ। और उसके बाद सब पर्सनल ही आ रहा, मैं क्या बताऊ, निकालता हूँ कोई और जो
गाइस ये देख सकते हैं जो मैंने क्लिक किया था, फिर दूसरी फोटो आ गई है यहाँ पे, ये फोटो मैं जरूर दिखा सकता हूँ, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और दूसरी फोटो मैं निकाल लेता हूँ तो ये भी नहीं दिखा सकता हूँ मैं, क्योंकि ये पर्सनल इशू ना, नहीं दिखा सकता हूँ। बस ये है कि इस तरीके से जो है आप एक्सेस कर सकते हैं इसकी गैलरी को। फॉर एग्जांपल आप वीडियो को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैमरा ही में जाना है, क्योंकि अगर कैमरे से अगर वीडियो बनाया है तो कैमरा में जाइए। और उसके बाद जो यहाँ पे बहुत सारे वीडियो है जैसे वीगो के नाम से, हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए वीडियो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं प्ले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि स्ट्राइक आ सकती है। और उसके बाद जो अगर किसी और फाइल में है, फॉर एग्जाम्पल किसी और फाइल में है, तो उस फाइल के अंदर जाने के लिए आपको जो है वो फाइल ढूंढ लीजिए कहाँ पे वो फाइल आप कर सकते हैं। जैसे विडमेट के अंदर चलता हूँ, क्या है इसके अंदर कुछ, तो विडमेट के अंदर डाटा डाउनलोड में चलता हूँ, इसके अंदर जी है तीन है, इसमें से मैं जो है मोटू पटलू की जो वीडियो है वो ओपन करता हूँ। ये देखिए ये भी ओपन हो गया। अब मुझे किसी फाइल में जाने की या फिर जो है किसी गैलरी में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो कुछ कर रहा हूँ सारा कुछ मैं यहीं से कर सकता हूँ। तो गाइस इसी तरीके से जो है आप किसी भी एंड्रॉइड सेट को हैक कर सकते हैं। वही हैक करने का मतलब ये है कि उसके मेमोरी को और उसके बाद जो उसकी गैलरी को या उसके बाद जितनी चीजें उसकी है गैलरी मेमोरी एमएक्स प्लेयर के अंदर सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस बिना पासवर्ड को पूछे हुए आप इस तरीके से जो है उसके जो मोबाइल उसको हैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गाइस चलिए हम वीडियो को यहीं से खत्म कर लेते हैं।